अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस में शामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम रिव्यू लेके आए होमेज की समी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के, जिसका मॉडल नंबर है HW49102। और ये वीडियो में हमेशा की तरह स्पॉन्सर किया खुरम इलेक्ट्रॉनिक स्थित आमरी ब्रांच ने। अगर आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं या तो जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के अपडेट मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारे पास जो है होमेज की समय ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर इसकी डिजाइन या कलर की बात की जाए, ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बिल्कुल फ्रंट वाली साइड राइट साइड पे आपको जो है होमेज लिखा हुआ मिल जाता है और स्पार्कल जो है इसकी सीरीज है। और इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे आपको जो इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है। और आप बात करते हैं इसकी बॉडी की, इसकी बॉडी जो है कम्प्लीटली प्लास्टिक की बॉडी है। ये आप चेक कर सकते हैं, कम्प्लीटली जो है प्लास्टिक की बॉडी आपको मिल जाते हैं। नीचे एकोस्टिक और मिल जाता है स्पार्कल, और जो है कुछ मेन फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लो नॉइस डिजाइन हुआ है और जो हाई परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, और हैवी ड्यूटी इसकी जो है मोटर्स लगी हुई हैं। और राइट साइड पे बात की जाए इसकी बॉडी की, जो है बिल्कुल प्लेन आपको जो है बॉडी मिल जाती है। और बैक साइड पे आपको जो है काफी ज्यादा देखने को चीजें मिल जाती है। ये एक अदर जो है ड्रेन पाइप मिल जाता है, वॉशर और स्पिनर का दोनों का इकट्ठा जो है ये ड्रेन पाइप आपको मिल जाता है। और इसके साथ ही आपको जो है स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा होता है। उसके साथ ही आपको जो इलेक्ट्रिक डायग्राम मिल जाते हैं, उसके नीचे आपको एक स्टिकर मिल जाता है जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और बारकोड स्कैनर आपको जो है मिल जाता है। और अगर स्विच की बात की जाए, आपको जो है यूनिवर्सल टू पिन स्विच मिल जाता है, जो कि बैक साइड पे आपको स्पोर्ट भी मिल जाते हैं। अगर यूज ना करें तो इसको इंसर्ट कर दें इसके अंदर। और जो है वॉशिंग मशीन की जो है लेफ्ट साइड भी बिल्कुल प्लेन है। और इस वॉशिंग मशीन के जो है बिल्कुल जो है टॉप पे जो है लेफ्ट और राइट पे आपको जो है डिजाइन मिल जाता है, समझ लें कि वेंटिलेशन आपको दी जाती है हवा के लिए। और अब बात करते हैं इनके कंट्रोल्स की, मतलब कि वॉशिंग मशीन के आपको जो है कंट्रोल्स कौन कौन से मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉशर टाइमर की। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का जो टाइमर है, आप इसके अंदर कितनी देर जो है कपड़ों को वॉश करना चाहते हैं, एक मिनट से लेकर आपको जो है 15 मिनट तक जो है इसका टाइमर मिल जाता है। ये आपकी मर्जी है या आपको पता कि आपको ये कपड़े कितने जो है मिनट्स में धुलेंगे। और आप बात करते हैं इसके ड्रेन और रेगुलर और जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इसके अंदर आपको जो है एक तो ड्रेन का ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि अगर आपने वॉशिंग मशीन का पानी ड्रेन करना है तो उसको ड्रेन पे कर देंगे। और एक आपको जो है रेगुलर पावर के आपको ऑप्शन मिल जाता है, और एक आपको जो है स्ट्रॉन्ग पावर का ऑप्शन मिल जाता है। इस वॉशिंग मशीन की जो है मेन अट्रैक्शन मुझे यही लगी है, वाटर सप्लाई की जो सेक्शन है वो बहुत ही प्यारा बनाया गया है। बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पे आपको जो वाटर सप्लाई का सेक्शन मिल जाता है। अभी जो वॉशर पे था, अब इसको घुमा के जो ड्रेन में चला जाएगा। इसकी मजे की बात है कि आपको दो दो पाइप नहीं लगाने पड़ेंगे अलग-अलग। अब बात करते हैं इसके जो है टाइमर, जो है स्पिनर का टाइमर जो है, आप कितनी देर तक जो है स्पिनर करना चाहते हैं अपने क्लॉथ को। इस स्पिनर का टाइमर आपको जो है 1 से लेके 5 तक, मतलब कि 1 से लेके 5 तक आपको जो है स्पिनर का टाइमर मिल जाता है। अब आपको जो है वॉशिंग मशीन अंदर से दिखाते हैं, अंदर से कैसे देखने को मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम आपको जो है मिल जाता है। इसकी वॉशिंग मशीन आपको जो है 7 kg के अंदर मिल जाती है। और अंदर आप देख सकते हैं कुछ स्पॉट्स जो है मूवेबल होते हैं। और ये फिल्टर आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है कुछ डस्ट वगैरह जो है फिल्टर होके आती है, इसको आप निकाल के जो है क्लीन भी कर सकते हैं इजीली। काफी अच्छा डिजाइन बना है। और इसके साथ ही आपको जो है इसके लेवल्स मिल जाते हैं, हाई लेवल मिल जाता है, मिड लेवल मिल जाता है और लो लेवल मिल जाता है। और साथ एक और आपको जो है फिल्टर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके स्पिनर वाले साइड की। स्पिनर वाला ढकना खोलते साथ ही आपको जो है सबसे पहले वार्निंग मिल जाती है कि आप अगर जब इसके अंदर कपड़े डालेंगे तो इसके अंदर जो कैप आपको दी जाती है उसका इस्तेमाल करें। और स्पिनर में जितनी कपड़े डालने की गुंजाइश हो उतने ही कपड़े डालें, जितने कम कपड़े डालेंगे उतनी जो है आपकी मोटर की लाइफ ज्यादा होगी। आपको जो है स्पिनर आपको खोल के भी दिखा देते हैं। स्पिनर खोलते साथ ही आपको जो है एक गाइड मैनुअल और जो है इसकी एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। और इसकी वारंटी की बात की जाए, इसकी वारंटी आपको जो है 2 ईयर्स की जो है इसकी मोटर ब्रांड वारंटी प्रोवाइड करता है, जो कि होम सर्विस आपको देते हैं। इसके अलावा जो है एक कदर जो है आपको पाइप मिल जाता है, जो कि इसके वाटर इनर, मतलब कि वाटर सप्लाई के लिए काम आता है। ये पाइप जो है उस साइड पे एक लगा दें और एक जो है टैप के साथ आप कनेक्ट कर दें। और लास्ट में जो है आपको ये जो कैप इसकी होती है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि कपड़ों के डालने के बाद जो है उसके ऊपर ये कैप इसी तरह डाल दीजिएगा ताकि कपड़ों का जो लेवल है वो लेवल हो जाए। और आपको एक और बात बताता चलूंगा, अगर स्पिनर आपने करना है, स्पिनर में सबसे पहले कपड़े डालने, उसके बाद ये कैप नीचे करना है और स्पिनर का ढकना नीचे करेंगे, तब आपको जो है स्पिनर चलेगा। क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, अक्सर कस्टमर की शिकायत रहती है इसमें कि हमारा जो है स्पिनर नहीं चला। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए, इसकी प्राइस है 24,000 ओनली। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।